आज करूं कुछ प्लांट्स का काम, घर के सारे काम कर लिए हैं, कंप्लीट कर दिया है अंदर का सेटअप सारा, और चलते हैं बाहर। थोड़े बहुत पौधे संभालने। ओ शिट, ओ नो, बारिश हो रही है, कैसे होगा काम? देखो, सोचा था कुछ करूं और बारिश शुरू हो गई। साइड कर सकती हूँ, इधर बारिश नहीं पड़ रही है। ये अडेनियम्स वगैरह को पीछे करना है, कल बारिश में आप बाहर कर दिए थे, इनको थोड़ा पीछे करती हूँ। जितने भी सकुलेंट्स वगैरह हैं, सकुलेंट्स तो नहीं, ये क्या बोलते हैं इनको, सकुलेंट की ही फैमिली से हैं। इतनी बारिश काफ़ी है इनके लिए, क्योंकि पिछले साल भी ना मेरा एक अडेनियम बारिश में मर गया था। ये देखो कैसे गिर गया है, कल करे थे मैंने ये बारिश में बाहर। अब मैं इनका सेटअप करती हूँ, इस साइड काम कर लेती हूँ आज। देखो मिर्ची, मिर्ची में फ्लावर्स आ रहे हैं लेकिन बारिश की वजह से गिरे जा रहे हैं। देखो मिर्ची बने तब मज़ा आए। प्लांट्स तो काफ़ी रेडी हो गए हैं मिर्ची के, पता नहीं 10-12 प्लांट्स तो हैं ही, लेकिन वही है कोई किधर पड़ा। वैसे तो पहले तो इनको गर्मियों से बचाना बड़ा मुश्किल था, अब देखो कुछ कर्ल्स की भी दिक्कत आ रही है। देखना ये कर्ल हो रही है, लीव्स कर्ल हो रही है, लेकिन बडिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है, इसलिए मैं इनको तोड़ नहीं रही। मैंने कहा अगर मैं इसको इनको तोड़ती ही रहूँगी। देखो फूल दिखाऊँ मिर्ची का, एक ये कैक्टस देखो आप, ये जो एक लंबा सा तना जा रहा है इसका मुझे नाम नहीं पता। और देखो ये अब इसमें ना लीव्स आई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा इसकी यहीं से ही लीव्स आनी शुरू होती हैं, अब की बार तो बहुत बड़ी बड़ी लीव्स आई हैं। पहले छोटी छोटी लीव्स आती थी, अब की बार बड़ी आई हैं। वैसे अब की ये मार्च में इसमें फ्लावर भी आए थे बड़े प्यारे प्यारे येलो कलर के। और ये देखो ये है सदाबहार, इसको भी थोड़ा बारिश में पीछे करूं, कहते मर जाता है। वैसे मेरे सारे हाइब्रिड सदाबहार मर चुके हैं, इनको जितना संभालो ना ये उतनी जल्दी मुँह लटका देते हैं। ये मैंने ना अडेनियम से के सीड से उगाए थे ये, और ये पीछे वाला ये मर गया। यार ये तो बड़ी दिक्कत होती है सच में, ये बड़े मुश्किल है इनको बचाना। फिर भी मैंने ड्रास्टिक ट्राई किए, सीड पॉड आया था अडेनियम में, बड़े सारे सीड थे, यही दो चल रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ इनको भी कुछ ढंग के पॉट में लगाऊं, ये दो तो बचे। और ये देखो सकुलेंट्स, ये बचे खुचे हैं जी, ये बहुत अच्छे अच्छे होते थे, पर समर्स में बचाना इतना मुश्किल है। कैक्टस सकुलेंट से बेटर है, कैक्टस लगा लो बिल्ली के लिए तो कैक्टस ही बेटर है। ये देखो अब इनका क्या करूं, ये इसमें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो रहा है, इसको भी ठीक करना है। और ये टूर देकर मैं अपने काम में लग गई हूँ। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फेवरेट काम है इनका, जी नहीं ये फेवरेट काम नहीं है, ये बहुत ज़रूरी काम है। एक्चुअली जो दो रैक्स मैं आपको मैंने वीडियो में दिखाए हैं, वो रैक्स मैं इस वॉल के साथ लेकर आऊँगी, क्योंकि उस पर सकुलेंट्स रखे हैं, कुछ कैक्टस रखे हैं, और उस कॉर्नर पर पानी गिरता है बारिश का तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा उनको अब मैं जरा इस तरह कर देती हूँ, इधर पानी भी नहीं आएगा, ऊपर थोड़ा शेड है, और उसके लिए रैक्स इधर लाने के लिए ज़रूरी है। इस साइड को मैं क्लीन कर दूँ अच्छे से और फिर रैक्स रख दो। तो विंडो वगैरह साफ कर दी हैं, और ये जो प्लांट्स मैं उठा उठा के रख रही हूँ ना, ये जहाँ भी मेरे घर में जहाँ भी पौधे होते हैं, तो जब भी बारिश होती है मैं वहाँ बारिश में सारे रख देती हूँ। दो फायदे, एक तो पानी मिल गया इनको, और दूसरा ये अच्छे से धुल गए हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। और ये करते करते देखो बादल फिर से घने बादल आ गए हैं, और उमस भी ज़बरदस्त हो गई है, गर्मी बढ़ गई एकदम से, क्योंकि फिर से लगता है बहुत तेज़ बारिश होगी शुरू। और मैंने अपना फ़ैन वगैरह लगा के काम कंटिन्यू किया, मैंने कहा गर्मी हो रही है, एक तो काम की गर्मी और रैक्स भी आ गए हैं इधर, लेकिन अभी काम बाकी है, बहुत काम बाकी है अभी।
और सोच सोच के रखने पड़ रहे हैं प्लांट्स, किसको कैसे सेट करूं, किसको कहां रखूं। फिर कुछ एक की कटिंग्स कर दी है, मैसी हो गया है काफ़ी, और फर्न जो वॉल पर लगे हुए हैं उनको भी उतार के उनकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, पुरानी पत्तियां निकाली हैं उनमें से। इस काम में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, हालांकि लग रहा है कि एक छोटा सा कॉर्नर क्लीन किया है लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लग गया मुझे। और ये इधर बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो गई है, फिर मैंने कहा काम जल्दी ख़त्म करो। और ये करते करते मैंने इसको निपटाया जल्द से जल्द, सारे एडेनियम्स को पीछे किया क्योंकि पहले ही भी एक एडेनियम मर चुका है, अब रिस्क नहीं लेना है, बारिश में नहीं रखना है। एक दो कभी कभार रख दिया बिल्कुल ड्राई हो गए हैं तो, और उनको भी पीछे किया और ये कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। और ये जो आप देख रहे हैं ना प्लांट्स, इनके कंटेनर्स पे मत जाना, जो चीज़ मिलती है मैं उसमें अपना प्लांट लगा लेती हूँ। ग्रो बैग है, प्लास्टिक डब्बा है, चाहे वो टूटा डब्बा है, और सब तरह के मेरे पास हैं कंटेनर्स, ऐसी बात नहीं है। सिरेमिक भी हैं, सीमेंट भी हैं, मिट्टी के भी हैं, जो है ठीक है, प्लांट्स चलना चाहिए, प्लांट्स जिंदा रहने चाहिए बस, अब तो यही मकसद है। और देखिए कैसे लग रहे हैं आप बताइए, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं ये, बस अब आप लोगों को भी अच्छे लगे। ये सेटअप हो गया है और वीडियो देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और देखिए मेरे ख्याल से चिड़ियों की आवाज़ आ रही होंगी आपको, वो तो यहाँ पर चार चांद लगा देती है खूबसूरती में। ये देखो ये एडेनियम की कटिंग है, चल जाए तो अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए और लाइक करते रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।